Hello everyone, this is Syed Shahbaz. Today we are going to discuss about very important topic, that is robotics, दोस्तों. जी हाँ, एक very important topic है और very interesting भी है. इस lecture में हम पढ़ने वाले हैं कि robotics क्या होता है, उसके applications क्या क्या है और आने वाली future technology किस तरह से develop होने वाली है. और last में मैं बताऊंगा आपको India comparison with other nations. Like जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अमेरिका से कंपेयर करेंगे, चाइना से कंपेयर करेंगे, और उसके बाद जर्मनी भी किस तरह से आगे और जापान. मैं आपको एक टेबल भी दिखाऊंगा क्योंकि एक लेटेस्ट रिपोर्ट भी पब्लिश की गई है ऑन रोबोटिक्स. तो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है दोस्तों, आखिर तक बने रहिए, सारा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं. तो बिफोर वी प्रोसीड, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो वीडियो है ये हमारे बीट्स यूट्यूब चैनल के जरिए से पेश किया जा रहा है. आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा. And you can also follow us on YouTube and Facebook and Instagram pages also. So let's begin. So what is a robotics? देखिए, basically बात करें तो robotics में एक engineering का ही part है. जैसे aeronautical हो गया, mechanical हो गया, उसी तरह robotics भी जो है एक engineering का part है, जिसका main मकसद जो है एक ऐसी machine को तैयार करना, उसको design करना, उसको conceptualization करना और you know programming करना, ताकि वो खुद बखुद काम कर सके और इंसान के काम आ सके. आपने देखा होगा, देखिए कई सारे लोगों का ये इमेज फॉर्म हो चुका होता है माइंड में कि रोबोट्स का मतलब वो हमारे जैसे ही दिखते हैं. लाइक उनके भी हाथ पैर रहते हैं, उनके भी आंखें होती हैं. एक्चुअली रोबोटिक्स कई सारे टाइप्स होते हैं दोस्तों. ओके, रोबोटिक आर्म्स भी कहा जाता है. जैसे आपने देखा होगा नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में कई बार दिखा रहे होंगे, बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज में जो मशीन्स काम करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नथिंग बट रोबोट्स, राइट? तो वो एक रोबोटिक आर्म है, उसको हम एक्चुएटर्स कहते हैं. तो आगे मैं आपको बताऊंगा. और इसमें आपको कई सारे कंप्यूटर सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट? प्रोसेसर्स होता है, प्रोग्रामिंग की जाती है, तब जाकर जो है एक प्रॉपर मैकेनिज्म डेवलप किया जाता है ताकि हम लोगों को, इंसानों को ये सपोर्ट कर सके. ओके, और इंडस्ट्री की लेवल की बात करें तो इंडस्ट्री में अगर आपने देखा होगा, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी चलती होगी, ऑपरेशंस भी किया जा रहा होगा, राइट? तो उस वक्त जो है कई सारा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बहुत ज़रूरत होती है, राइट? तो वहाँ पर इंसान जो है कितना काम कर सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, राइट? तो उसके लिए क्या करते हैं, वहाँ पे रोबोट्स को इंस्टॉल किया जा सकता है ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाए, उनके डिमांड जो है उसको मीट किया जाए. तो वहाँ पे ज़्यादातर रोबोट्स को आपको देखने को मिल सकता है. बट हिस्ट्री ऑफ रोबोट्स की बात करें तो ये बेसिकली जो रोबोट्स का जो ओड है वो जेक ओड का है, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं. जेक ओड से वहाँ से इसको लिया गया है, उसका नाम एक्चुअली रोबोटा है. ओके, सो जो ऐसा एक फेमस साइंटिस्ट है, उन्होंने अपनी जो किताब थी एक स्टोरी में लिखा था, लायर, उसमें पब्लिश किया गया था 1941 को. इन्होंने इस टर्म को यूज़ किया और बेसिकली इन्होंने तीन लॉ को बताया है दोस्तों. ठीक है, मैं आगे चलकर आपको थ्री लॉस के बारे में भी बताऊँगा, बट एनी हाउ आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आज के जो ज़माने में क्या रोबोट्स एग्जैक्टली इस लॉ को फॉलो कर रहे हैं या नहीं. ओके, ये आपका काम है, आप सोचिए. ओके, देखिए पहला जो लॉ है, ए रोबोट मे नॉट इंज्यूर ए ह्यूमन बींग. ओके, जानबूझकर कोई भी रोबोट एक ह्यूमन बीइंग को नुकसान नहीं पहुंचा सकता. दिस इज अ फर्स्ट लॉ, इन्होंने बताया. और सेकंड लॉ की बात करें, ए रोबोट मस्ट ओबे द ऑर्डर्स गिवन बाय द ह्यूमन बीइंग. जो भी हम ऑर्डर्स उसको देते हैं वो उसके हिसाब से काम करता है. ओके, अनटिल एंड अनलेस, जब ये ऑर्डर्स किसी कॉन्फ्लिक्ट में ना आ जाए. ओके, नेक्स्ट थर्ड लॉ की बात करें, ए रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स ओन एग्जिस्टेंस, यानी उसकी जो खुद की जो एग्जिस्टेंस है उसको वो खुद प्रोटेक्ट करता है. Until and unless कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आ जाए, यानी कोई यू नो क्रॉस कम्युनिकेशन ना हो जाए, इवन कंपेयर टू द फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ. तो मुझे बहुत बार डाउट आता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं किस तरह से मूवीज में दिखाते हैं कि सेल्फ लर्निंग रोबोट्स हैं जो खुद ब खुद अपने आप को सीखने लग जाते हैं, एंड दे कैन कॉज हार्म टू द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, राइट? तो आपने देखा होगा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेमस पिक्चर जो रोबो निकली थी रजनीकांत जी की, रोबो 1, रोबो 2.0. तो वहाँ पे किस तरह से रोबोट अपने खुद को डेवलप करता रहा, और मशीन लर्निंग इसे हम कहते हैं. तो आगे चलकर इस तरह से अगर टेक्नोलॉजी आ गई तो रोबोट खुद ब खुद सीखने लग जाएगा. तो बेसिकली हम लोग गारंटी नहीं दे सकते कि क्या ये थ्री लॉस जब अप्लीकेबल होंगे या ह्यूमन बींग सेफ रहेगा इस लॉस से. तो इसको लेकर कई सारे कॉन्फ्लिक्ट, कई एक्सपर्ट जो डिफरेंट ओपिनियंस जताते हैं. कई लोग कहते हैं कि जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना उसी के हिसाब से ये लोग काम करते हैं, या हमारे जो प्रोग्रामिंग अगर डिफ़ॉल्ट हो जाए या फिर कोई एरर हो जाए तो ये लोग भी यू नो ख़राब हो जाते हैं. तो कई एक्सपर्ट्स ये ओपिनियन कहते हैं कि मशीन लर्निंग की वजह से, इस टेक्नोलॉजी की वजह से रोबोट जो है अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट है
उसके हिसाब से वो सीखने लगता है। बट एनी हो, आगे चलकर देखते हैं, हमारा लेक्चर अभी कंटिन्यू करते हैं। तो कॉम्पोनेंट्स ऑफ रोबोट्स की बात करता हूँ, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि क्या क्या कॉम्पोनेंट्स यूज किए जाते हैं। देखिए बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स रहता है रोबोट का वो बैटरी है। ओके, और कई प्रकार के बैटरीज हैं, जैसे कि लिथियम आयन बैटरी हो गया, पॉलीमर बैटरी हो गया एंड सिल्वर कैडमियम हो गया। लिथियम आयन के ऊपर मैंने डिटेल लेक्चर भी बनाया रखा है, हमारे बीट्स यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाकर, राइट, किस तरह से उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी यूज किया जाता है। और मेन इंपॉर्टेंट सोर्स जो है रोबोट्स का वो बैटरी माना जाता है। नेक्स्ट, एक्चुएशन ऑफ रोबोट्स। सो व्हाट आर द एक्चुएटर्स? देखिए एक्चुएटर्स इज नथिंग बट रोबोट का हाथ आप कह सकते हैं, एक रोबोटिक आर्म। ओके, जैसे कि आपने बड़े बड़े फैक्ट्रीज में देखा होगा, जो भी कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है या फिर कोई बड़े फैक्ट्री जो कोका कोला या पेप्सी जो बड़े नेशनल ज्योग्राफिक में आपको दिखा रहा होगा, तो वहाँ पे आपने देखा होगा जो बॉटल फिक्स करने का एक पर्टिकुलर आर्म रहता है, एक पर्टिकुलर रोबोटिक काम करता है, राइट, उसको डिस्पैच करने का एक रोबोट रहता है। तो वहाँ पे एक्चुएटर्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों। सो दे आर नथिंग बट दे आर द पार्ट्स ऑफ रोबोट्स ओनली, सो विच कन्वर्ट द स्टोर एनर्जी इनटू द मूवमेंट। ओके, उसमें जो स्टोर एनर्जी रहती है, चाहे वो हाइड्रोलिक फॉर्म में हो या चाहे वो फ्लूइड फॉर्म में हो, तो उसको स्टोर एनर्जी को एक मूवमेंट में बदलने को उसको हम एक्चुएटर्स कहते हैं। दे आर लाइक नथिंग बट मसल्स ऑफ रोबोट। नेक्स्ट, सेंसिंग कैपेबिलिटी ऑफ रोबोट्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जब तक ये रोबोट जो सेंस नहीं करेगा तो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। ओके, सेंसिंग इन द सेंस रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। ओके, किस तरह से रोबोट इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, चाहे वो लेजर से स्कैन करें, चाहे वो बार कोड को स्कैन करें, राइट, बेसिकली उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, तब जाकर वो कोई ना कोई एक्शन कर पाएगा। तो सेंसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ रोबोट, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म द टास्क। ओके, नेक्स्ट, रोबोटिक मैनिपुलेशन। रोबोटिक मैनिपुलेशन बेसिकली नथिंग बट कि वो कोई काम करने के लिए जो पिकअप है या फिर डिस्ट्रॉय है या फिर मॉडिफाई करना है। ओके, जो आर्म का हम जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा, राइट, यहाँ पे आपको समझ में आ गया, राइट, दिस इज अ आर्म। ओके, रोबोटिक आर्म, तो किस तरह से वो अपने आर्म को फोल्ड करता है और क्या आइटम्स जो है उठाता है वो और किस तरह से वहाँ पे जाकर रखता है, दैट इज नथिंग बट रोबोटिक मैनिपुलेशन। ओके, हम इसको जो आर्म जो कहते हैं उसको हम इफेक्टर्स कहते हैं। ओके, जो हैंड्स ऑफ रोबोट्स जो रहते हैं, ओके, इज नोन एज एंड इफेक्टर्स। ओके, तो कई सारे रोबोट्स को हम उस इफेक्टर्स को टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशंस, और कई सारे अगर फिक्स्ड ऑपरेशन करवाना है हम पर्टिकुलर रोबोट से तो एक फिक्स्ड इफेक्टर भी हम उसको लगा देते हैं। ओके, तो कई इंडस्ट्रीज में रहता है कि एक रोबोट को हम मल्टीपल ऑपरेशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, टाइम टू टाइम जो हमारे वर्कर्स रहते हैं उनके रोबोटिक आर्म्स को चेंज किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट, रोबोटिक नेविगेशन एंड एनवायरमेंटल इंटरैक्शन, कि किस तरह से रोबोट्स अपने आसपास एनवायरमेंट को महसूस करके उसके हिसाब से काम करने लगता है। ओके, बेसिकली आपने देखा होगा आजकल जितने भी रोबोट्स आ रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्री लेवल हो, चाहे वो यू नो कई फॉरेन कंट्रीज में मेड के जैसा भी उसको यूज़ किया जाता है रोबोट्स, और रेस्टोरेंट्स में भी रोबोट्स को यूज़ किया जाता है, हॉस्पिटल्स में रोबोट्स को यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे बेसिकली एक ह्यूमन कंट्रोल रोबोट्स होते हैं, जो भी हम प्रोग्रामिंग उन लोगों को कर दिया जाता है उसके हिसाब से वो लोग काम करते हैं। ओके, एक स्टैटिक एनवायरमेंट उनको दिया जाता है, मतलब आपको इस तरह से नेविगेट करना है और वहाँ पे जाकर यू नो इस तरह से काम करना है, फिर वापस अपनी जगह पे आना। ओके, एक स्टैटिक एनवायरमेंट, बस उतना ही उनका एनवायरमेंट रहता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इन इंडिया। ओके, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे इंडिया में क्या हालत है अभी रोबोटिक्स को लेकर, और हमारे इंडिया में किस तरह से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं ताकि हम ऑटोमेशन को भी प्रमोट कर सकें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज AICRA, एक इनिशिएटिव है दोस्तों जिसका फुल फॉर्म आपने अभी तक स्क्रीन में देख चुके होंगे, द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, अनाउंस किया गया है। तो ये प्रोग्राम का मकसद यही है कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं और जितने भी यू नो इंडिविजुअल्स ले लीजिए जिनके पास कोई आइडियाज हो, वो एक इंक्यूबेशन सेंटर प्रोवाइड करता है। ओके, इंक्यूबेशन सेंटर का मतलब क्या है, जहाँ पे अपने आइडियाज को आप हार्नेस कर सकते हैं, आप डेवलप कर सकते हैं, उनको प्रॉपर रिसोर्स दिया जाएगा, प्रॉपर फंडिंग दी जाएगी ताकि ये इसके ऊपर काम कर सकें, चाहे वो साइंटिस्ट हो, एक्सपर्ट्स हो, इंडिविजुअल्स हो, एंटरप्रेन्योर्स हो या कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सब लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पे फंडिंग दी जाती है, रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जाता है ताकि आगे चलकर हमारा इंडिया भी जो है ग्लोबल से कम्पीट कर पाए। और बेसिकली जो है ये काम करते हैं ऑन रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ओके, किस तरह से जो ऑटोमेशन का जो प्रोसेस है उसको हम डेवलप कर पाए।
एंड इट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप नॉट फॉर प्रॉफिट भी कह सकते हैं, और एक अपेक्स बॉडी भी इसे कहते हैं, जिनका मेन काम यही है कि एक स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करें. ओके, रोबोटिक्स ले लीजिए या फिर ऑटोमेशन प्रोसेस में एक प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाए, उनकी क्वालिटी उनकी क्वांटिटी को मेंटेन किया जाए. और अब तक इन्होंने 35,000 प्लस मेंबर्स, ओके, 35,000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे इन्होंने हेल्प किया है रिगार्डिंग टू रिसोर्स और रिगार्डिंग फंडिंग वट एवर इट, ओके, ताकि जितने भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर पाए और आगे चलकर इसकी करियर अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ा पाए. ओके, आपने देखा होगा कई सारे आर्टिकल्स भी छपे हुए हैं, क्योंकि आगे चलकर जो कई सारे लेबर्स को रोबोट्स रिप्लेस करने वाले. ओके, एक तरफ यहाँ पे तो अनएम्प्लॉयमेंट भी हम फेस करेंगे और साथ ही साथ हमारी प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव हो सकती है. तो रोबोटिक्स में जो है करियर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होने वाले हैं दोस्तों आने वाले कुछ सालों में. ओके, यानी 2030 तक आपको कई सारे इंडस्ट्रीज में, कई सारे फैक्ट्रीज में आपको रोबोटिक्स लगाया जाएगा, और जो उसको कंट्रोल करता है, जो उसको उसकी प्रोग्रामिंग सीख के रहता है, उसको करियर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा से ज़्यादा मिलने वाले. तो चलिए देखते हैं इसको कब एस्टैब्लिश किया गया था, 2014 में. ओके, और इनका ये जो मकसद है कि कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करना फॉर डेवलपिंग न्यू यू नो टेक्नोलॉजी, और जो भी है जो मैंने बताया स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, और इसके साथ साथ इन्होंने कई सारे इंस्टीट्यूट भी खोले रखे हैं, राइट, जैसे कि TTT हो गया, ट्रेन द ट्रेनर, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ये कई सारे प्रोग्राम्स हैं जो बेसिकली पार्टनरशिप के जरिए से ये लोग कंडक्ट करते आ रहे हैं टाइम टू टाइम. और अब तक इन्होंने 35,000 प्लस मेंबर्स को इन्होंने अभी तक इंक्लूड किया है और उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है. नेक्स्ट, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, व्हाट इज RPA, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है. ये देखिए, RPA इज नथिंग बट इट्स एन यूज ऑफ सॉफ्टवेयर के विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जो भी आपने देखा होगा AI एनेबल्ड आप कई सारे चीज़ें अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लॉन्च किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर को यूज़ करके इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, ताकि आगे चलकर ये हाई टास्क को इजीली परफॉर्म कर पाए. ओके, इसमें आपको कैलकुलेशंस रहते हैं, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, ट्रांजैक्शन, क्वेरी, सारा कुछ इसमें इंक्लूड रहता है दोस्तों. ओके, जैसे आपने देखा होगा कई सारे वेबसाइट्स में आप जब लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे एक चैट बॉक्स दिखता है, जब आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक एक रोबोट आपको आंसर देने लगता है. नॉट ओनली इन वेबसाइट, फिजिकली अगर आप देखेंगे तो अभी COVID-19 की वजह से कई सारे जगहों पर रोबोट्स को भी इम्प्लांट किया गया है, वो जितने भी क्वेरीज है बेसिक क्वेरीज वो आंसर कर देते हैं. ओके, देर आर 3 types ऑफ बॉट्स, जैसे प्रो बॉट्स है जिनका मकसद यही है कि वो एक प्रोग्राम कर दिया जाता है और रिपीटेडली वही काम करते आ रहे हैं. ओके, नेक्स्ट हो गया नो बॉट्स. ओके, तो इनका ये मकसद ये है कि इंटरनेट के जरिए से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकें और लोगों को तक पहुँचा सकें. एंड नेक्स्ट चैट बॉट्स, ये मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था. चैट बॉट्स नथिंग बट एक वर्चुअल एजेंट्स की तरह काम करते हैं. जैसे आपने वेबसाइट खोला, अपने ईमेल नाम को और फोन नंबर को डाल दिया, तो ऑटोमेटिकली जो जो आप पूछते जा रहे हैं उसके इसमें जो आंसर स्पीड रहते हैं वो आपको बताता जाएगा. ओके, ताकि आपको इंस्टेंटली आंसर मिल सके. अगर आपकी क्वेरी अप्रोप्रिएट हो तो आपको इंस्टेंटली आंसर मिल जाएगा, तो इसको हम चैट बॉट्स भी कहते हैं. दे आर नथिंग बट वर्चुअल एजेंट्स. तो देर आर 3 types ऑफ RPA, एक आपको प्रोबोट्स हो गया, नो बोट्स एंड चैट बॉट्स. नेक्स्ट, बेनिफिट्स. देखिए, अगर बेनिफिट्स मैं गिनाता रहूँगा तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं दोस्तों इसके ऊपर मैं सेपरेट लेक्चर ही बना सकता हूँ, बट यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली फोकस रहेगा फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के ऊपर, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़े बेनिफिट्स बता देता हूँ. ओके, पहली बात जो है डिक्रीज कॉस्ट होगा. ओके, आप रोबोट्स को यूज करके 80-90% ऑफ कॉस्ट को बचा सकते हैं. एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं कि रोबोट बहुत ही चीप में मिलता है. ओके, उसके ऊपर आपको भारी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. जब एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया तो कई सालों तक आपकी प्रोडक्टिविटी हाई पर रहेगी. ओके, ऐसा नहीं कि इंसान की तरह जो है उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, या इंसान जिस तरह से बीमार होता है, जिस तरह से लीव्स लेता है, राइट, वो तो रोबोट्स नहीं कर पाएगा ना. 24/7 वो काम करता ही रहता है जब तक आप उसको इलेक्ट्रिसिटी, जब तक आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करते रहेंगे. तो एक तरफ से आप कॉस्ट को डिक्रीज कर दिया. नेक्स्ट, आपको स्टाफ को फ्री कर सकते हैं. आप अपने स्टाफ को जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क पर यूज़ किया जा सकता है. ओके, जो भी स्मॉल वर्क्स हैं, जो भी ईजी टास्क हैं, आप रोबोट को असाइन कर दीजिए, और जो आपकी स्टाफ है वो आप जो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जहाँ पे जो है कॉमन सेंस से, एक इमोशन से काम करना पड़ता है, वहाँ पे आप ह्यूमन बीइंग को यूज़ कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट, इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट एंगेजमेंट. ओके, रोबोट्स और एम्प्लॉयमेंट के बीच में जो एनवायरमेंट है उसको भी हम डेवलप कर सकते हैं. उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दे रखा है. ओके, जिस तरह से अगर कोई डाटा प्रोसेसिंग करना हो जहाँ पे इंसान की कोई उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे इस रोबोट्स को लगा सकते हैं. ओके, ताकि दोनों मिलकर एक
क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं एंड रिड्यूस ऑपरेशनल रिस्क ऑल्सो. अब जो भी ऑपरेशन है, क्योंकि बेसिकली रोबोट्स तो कम एरर करेंगे व्हेन कंपेयर टू द ह्यूमन बीइंग. ओके, ह्यूमन तो ह्यूमन एरर ज्यादा होता है ना, तो ह्यूमन एरर की वजह से कई सारा प्रोडक्टिविटी भी डाउन हो जाता है. ओके, जब आप एक फैक्ट्री का प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे ह्यूमन एरर्स को भी इंक्लूड किया जाता है. तो ये सारे एरर्स को आप रिड्यूस कर सकते. उसके बाद कई सारे दोस्त बेनिफिट्स है, जैसे कि आउटपुट आप ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट आपको कम रहता है, इसको कोई सैलरी देनी नहीं पड़ती है जिस तरह से मंथली आप ह्यूमन वर्कर्स को सैलरी दिया जाता है, बस इसका मेंटेनेंस करने की जरूरत पड़ती है. एक टाइम का इन्वेस्टमेंट. तो चलिए मेन मुद्दे की बात करते हैं. सो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज क्या है, आने वाले दिनों में किस तरह से टेक्नोलॉजीज को हम यूज करके इस रोबोटिक चैप्टर को हम बदल सकते हैं. तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आजकल जो है ऑटोनोमस मोबाइल रोबोट्स को यूज किया जाता है दोस्तों. बेसिकली एक इनोवेशन टाइप है जहाँ पे स्मॉल रोबोट्स को यूज करके आप उन जगह पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे लार्ज रोबोट्स या फिर रोबोटिक आर्म वहाँ पे यूज नहीं किए जा सकते. ओके, ताकि हम उसको इजीली नेविगेट कर सके और इनके पास जो है हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी रहती आगे चलकर. ओके, मोबाइल रोबोट्स आपने देखा होगा कई बार छोटे फैक्ट्रीज में भी इसको यूज किया जाता है. नेक्स्ट, एक्सपैंडेड यूज ऑफ मशीन विजन. ओके, देखिए विजन इज नथिंग बट हर रोबोट के लिए जरूरी है. तो विजन का मतलब क्या है, जिसमें आप रोबोट का बेसिक काम जो है अपने आर्म्स को फोल्ड करना, उसको लिफ्ट करना, जो हमने पढ़ा था ना रोबोटिक मैनिपुलेशन, नथिंग बट इट्स ए विजन. तो इसको किस तरह से एक्सपैंड कर हम यूज कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे इन्होंने एक एम्बेडेड विजन को बताया जिसकी मदद से जो है हम एक न्यू रेंज ऑफ कैपेबिलिटीज को डेवलप कर सकते हैं दोस्तों. ओके, जैसे आपने देखा होगा हेवी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में रोबोट्स का काम जो है कई सारे मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस करना पड़ता है विद इन सेकेंड्स. जब हम इसका विजन बढ़ा देंगे, जब हम इसका मशीन विजन को एनलार्ज कर देंगे तो ये काम आसानी से कर पाएगा. ओके, और इसको हम प्रॉपर रिलेशनशिप भी बिल्ड कर सकते हैं अलॉन्ग विद द वर्कर्स. ओके, एक प्रॉपर सिंक्रोनाइज हम कर सकते हैं विद द एक्सपैंडेड यूज ऑफ दिस मशीन विजन. नेक्स्ट, न्यू एप्लीकेशन फॉर रोबोटिक्स एनेबल्ड बाय AI. जब हम रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दोनों को कंबाइन कर देंगे तब जाकर कोई न्यू एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग हो गया. ओके, सो मशीन लर्निंग इज नथिंग बट रोबोट्स के अंदर इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि वो सिचुएशन को पकड़कर अपने आप को डेवलप कर सकता है, यानी अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट. जिस तरह से उसका एनवायरनमेंट बदलता जा रहा है उस तरह से वो डेवलप कर सकता है. सो दिस विल एनहांस द प्रोडक्टिविटी. ओके, सेफ्टी बढ़ सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है कोलैबोरेशन बनाकर रख सकते हैं बिटवीन ह्यूमंस एंड रोबोट्स. ओके, ये भी टेक्नोलॉजी अभी लाई जा रही है, आगे चलकर अगर ये वर्कआउट हो जाए. बट एनी हाउ आप सिर्फ एक साइड मत देखिए, इसका दूसरा साइड भी है. अगर रोबोट्स कुछ एरर डेवलप कर ले अपने आप में तो ये ह्यूमंस को हार्म भी कर सकते हैं. ओके, जैसे कई सारे मूवीज में दिखाया जाता है, राइट, अगर कोई एरर हो जाए या कोई माल फंक्शनिंग हो जाए तब ये ह्यूमंस को हार्म भी कर सकते हैं. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रॉपरली यूज करना, दिस इज ऑल्सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड नेक्स्ट, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन डिटेक्ट द पैटर्न्स. ओके, रोबोट किस तरह से वो मेंटेनेंस कर सकता है, वो डायरेक्टली जो मेंटेनेंस इंजीनियर है उसको मैसेज भेज सकता है, राइट, और ब्रेकडाउन हो जाए कोई मशीन को तो बता सकता है कि इस तरह से ब्रेकडाउन हो चुका है, क्या क्या फॉल्ट है, ये भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा पता लगा सकते हैं. राइट, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिसएडवांटेज है, इसमें कई सारे आपको एडवांटेजेस भी मिल सकते हैं और कई सारे कंपनीज को अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने में भी ये मदद कर सकता है, चाहे उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना हो, उसकी क्वांटिटी को इम्प्रूव करना हो या उसके वेस्टेज को रिड्यूस करना हो. ये सारा कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हम कैरी आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट, कोलैबोरेटिव रोबोट एप्लीकेशन. ये ज़्यादातर अभी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी माना जा रहा है दोस्तों, कि हम किस तरह से कोलैबोरेट करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं. देखिए इस एप्लीकेशन के द्वारा स्मॉल कंपनीज में भी आप रोबोट्स को इम्प्लांट कर सकते हैं. बेसिकली हमारे माइंड में ये पिक्चर रहता है कि अगर रोबोट्स को इम्प्लांट करना हो तो कंपनी का जो कैपिटलाइजेशन, जो मार्केट कैपिटल है उसको ज़्यादा रहना चाहिए, राइट, तब जाकर कोई कंपनी रोबोट्स को इम्प्लांट कर सकती है. बट कोलैबोरेटिव से आप क्या कर सकते हैं, आप इस रोबोट्स को स्मॉल कंपनीज में भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं. ओके, फ्रॉम स्मॉल जॉब्स से लेकर मेजर एरोस्पेस कंपनीज तक. और इनका जो मेन काम ये है कि वो छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स हैं उसको फिक्स करना, उसको डिप्लॉय करना और आसपास के जो लोग हैं उनको एक सेफ्टी एनवायरमेंट प्रोवाइड करना, राइट, एंड लो कॉस्ट में आप इसको बना सकते हैं, लेस फ्लोर स्पेस भी ये लेते हैं, राइट. तो कई सारे एप्लीकेशंस ये लोग डेवलप किए जा रहे हैं. एंड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स की बात करें
जो कोलैबोरेटिव रोबोट्स है, देर आर जस्ट 3% ऑफ द करेंट इंस्टॉल रोबोट्स अराउंड द वर्ल्ड। तो इसको इंक्रीज करने की बात भी की गई। अगर ये मार्केट में आ जाए, अगर इस एप्लीकेशन को मार्केट में, कॉमन मार्केट में अगर इंट्रोड्यूस कर दे, तो छोटे से छोटे फैक्ट्रीज में भी आप इसको इम्प्लांट कर सकते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। और अभी तक सिर्फ 3% अभी इंस्टॉल किया गया, पूरी दुनिया की बात करो, नॉट ओनली इंडिया। तो लेट्स सी अबाउट कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज आल्सो, व्हाट इज अ कंपैरिजन। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल पे इंडस्ट्रियल रोबोट्स, अगर टॉप 3 कंट्रीज अगर आपने देखा होगा, तो टॉप फर्स्ट कंट्री जो है चाइना है, उसके बाद जापान, उसके बाद यूएस है। तो इंडिया का रैंक आपने देखा होगा, तो इट्स 10th रैंक। तो इंडिया को कई सारे पॉलिसीज भी लाने पड़ेंगे आगे चलकर, ताकि उसको हम एटलीस्ट वी कैन बी एट अ टॉप 5 पोजीशन ऑल्सो। ओके, तो एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट 2019 में जब निकाला गया था, तो इंडिया ने 4,300 न्यू इंडस्ट्रियल रोबोट्स को भी इम्प्लांट किया है दोस्तों। ओके, और अभी टोटल जो है मोर देन 26,000 इस तरह से मशीन हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया है। ओके, और बाय द एंड ऑफ 2019 की बात करें, तो रिकॉर्ड ऑफ 2.7 मिलियन इंडस्ट्रियल रोबोट्स को इंस्टॉल कर दिया गया था अराउंड द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। तो कंपैरेटिवली 12% इंक्रीज हुआ है 2018 से अगर आप कंपेयर करेंगे, एंड 3.7 लाख यूनिट्स वर सोल्ड ग्लोबली। अगर सेलिंग की बात की जाए, जो कंपनीज ने खरीदा है अपने इंडस्ट्रीज में लगाने के लिए, तो 3.7 लाख यूनिट्स को ऑलरेडी इन्होंने बेच दिया। ओके, बट एनी हाउ ये लेस माना जा रहा है वेन कंपेयर टू द 2018। सो अगर इम्प्लांट की बात करें तो 12% इंक्रीज है, अगर सेलिंग प्रोसेस की बात करें सो इट विल बी 12% लेस। ओके, तो चलिए एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करें, तो एशिया रिमाइंस द स्ट्रॉन्गेस्ट मार्केट इंडस्ट्रियल रोबोट। एशिया में अगर आप देखेंगे तो चाइना इज द टॉप, जैसे हमने टेबल में भी देखा, चाइना इज द टॉप कंट्री, उसके बाद जापान आ रहा है, उसके बाद यूएस आ रहा है। चाइना ने अभी तक तो 21% इंस्टॉल कर चुका है, 7 लाख यूनिट्स को इन्होंने इंस्टॉल ऑलरेडी कर चुका है। बिकॉज हमारा इंडिया तो बहुत ही फार है, तो गवर्नमेंट को भी ऐसे कई सारे पॉलिसीज लाना पड़ेगा, ताकि हम भी चाइना से और डिफरेंट कंट्री से कम्पीट कर पाए। एंड जापान की अगर बात करें, तो रैंक सेकेंड, अबाउट 3.5 लाख यूनिट्स को उन्होंने इंस्टॉल किया है, और ये मानना है कि विद इन 5 ईयर्स इंडिया हैज़ डबल द नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट्स। ओके, तो अगर 5 ईयर्स का अगर आप डाटा देखेंगे, तो इंडिया ने भी अच्छा काम किया है, अपने जो नंबर ऑफ रोबोट्स का जो इंस्टॉलेशन है उसको डबल कर दिया। एंड नेक्स्ट अमेरिकी की बात करें, जो अमेरिकास है, नॉर्थ अमेरिका, जो कई जो कंट्रीज है, कैनेडा, यूएसए और मेक्सिको, उनसे अगर कंपैरिजन करें तो यूएसए इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल रोबोट, और उसके बाद कनाडा, मेक्सिको आता है, फॉलोड बाय द कनाडा। ओके, मेक्सिको इज द सेकंड, जहाँ पे आपको अप्रॉक्सिमेटली 40,000 यूनिट्स लगाए गए हैं, और उसके बाद कनाडा है, वहाँ पे आपको 28,000 यूनिट्स को लगाए गए हैं। ओके, सो बेसिकली ये कहना है कि इस डेटा का बताने का मतलब यही है कि जो दूसरे कंट्रीज है वो किस तरह से डेवलप हो रहे हैं, उसी तरह हम लोगों को भी डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, और गवर्नमेंट शुड डेवलप सम फेलोशिप प्रोग्राम्स और एक स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, ताकि आगे चलकर हम अगर इंडस्ट्रियल रोबोट्स को लाएं, ताकि उसको ऑपरेट करने वाले भी हो, राइट। इस तरह नहीं कि परचेस कर लिया, इम्प्लांट कर दिया, मगर उसको चलाने वाला कोई नहीं। तो विद द इंक्रीज नंबर ऑफ रोबोट्स, देर विल बी एक्यूट नीड फॉर ट्रेनिंग ऑल्सो। ओके, और इंडिया की बात करें, तो यहाँ पे एक मेजर चैलेंज माना जाता है ट्रेनिंग को लेकर या फिर सर्टिफिकेशन को लेकर, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ कोलैबोरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड कंपनीज ऑल्सो। ओके, एक प्रॉपर एनवायरमेंट बना रहे, ताकि हम जो कॉस्ट ऑफ रोबोटिक्स है उसको भी रिड्यूस किया जाए। ओके, सो दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, हमने फ्यूचर टेक्नोलॉजी सारा कुछ हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो चलिए, फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, तब तक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके, हमारे बीट्स यूट्यूब चैनल को। तो चलिए, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। The Beats for You, नॉर्थ अमेरिका में बसने वाले भारतीयों का एक ऐसा इनिशिएटिव जिसका मकसद भारत की एजुकेशन और साइंस की डेवलपमेंट की बढ़ोतरी में अपना योगदान करना है। भारत की तालीम और साइंस का कंपैरिजन होगा चीन और अमेरिका के साथ। बीट्स में आप देखेंगे टॉक शोज, पैनल डिस्कशंस, ट्यूटोरियल वीडियोस एंड डॉक्यूमेंट्रीज। सब्सक्राइब बीट्स यूट्यूब चैनल, लाइक फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम, विजिट इट्स वेबसाइट thebeatsforyou.com।